सो हेलो एवरीवन, एंड आज के स्टूडियो में तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड 9। तो एपिसोड 8 में हम लोग को देखने को मिलता है कि जो हम लोग का मिस्ड हाशिरा मोइचिरो रहता है उसकी पूरी की पूरी बैक स्टोरी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर यार उसके साथ हुआ क्या था, जो कि अब वो कस तो रियलिटी से अलग हो चुका है एंड वो बिल्कुल भी कभी किसी से बात नहीं करता। तुम लोगों ने देखा है कि यार उसके जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो कभी भी जल्दी किसी से बात नहीं करता, उसके कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते एंड वो दुनिया से एक तरीके से कट के रहता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग को पता चलती है उसकी बैक स्टोरी में कि यार कैसे उसके घर में एक डीमन ने अटैक कर दिया था एंड उसके बाद उसके जो भाई की मौत रहती है वो कैसे उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमा में डाल देती है। एंड उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है वो अपना जो ब्रीदिंग फॉर्म रहता है उसको यूज़ करता है एंड फाइनली जाता है ग्योको से लड़ने के लिए। तो अब आगे एपिसोड 9 के स्टार्टिंग में हम लोग को दिखाया जाता है जो ग्योको रहता है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ग्योको बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन से स्वॉर्ड को यूज़ करते हो, इन दी एंड तुम मेरे हाथों ही मारे जाने वाले हो यहाँ। एंड उसके बाद वो ग्योको को अटैक करने जाता है, बहुत बार वो अटैक करता है एंड कह सकते हो ग्योको के एक तरीके से धजिया उड़ा दिया था वो। लेकिन कह सकते हो अगले सीन में जो ग्योको रहता है वो कहता है कि भले तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि वो कह सकते हो यार पॉट से बहुत ही तेज़ी से जा रहा था, तो कह सकते हो कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी उसको, सिर्फ मोइचिरो अटैक कर पा रहा था उस टाइम पर। उसके बाद मोइचिरो बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और सच बताऊँ तो तुम इतने साल जी चुके हो ग्योको कि तुम्हारे सेंसेस कमज़ोर पड़ चुके हैं और तुम मेरे से हारने वाले हो, ऐसा ही वो बोलता है। ना अगले इस सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो मोइचिरो रहता है डायरेक्टली जाता है तुरंत ही उसके जो गले रहते हैं वहाँ पर अटैक कर देता है। उसका जो ग्योको रहता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड बोलता है कि बच्चे तुम अपने आप को समझते क्या हो, तो क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ये डम एक्ट मेरे सामने मत करो। अभी मोइचिरो बोलता है कि मैं एक सच्चाई बता रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारे गले को काटने वाला हूँ एंड ये मेरे को फील हो रहा है एंड सच बताओ मुझे नहीं पता ये कैसे फील हो रहा है, लेकिन रियलिटी यही है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने वाला एंड तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो ग्योको। उसके बाद ग्योको और ज़्यादा गुस्सा होने लगता है एंड बोलता है कि मोइचिरो तुम जिस तरीके से दिखते हो, तुम जिस तरीके से एक्ट करते हो, तुम्हारी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं रिस्पेक्ट कर पाऊँ एंड सच बताऊँ तुम्हारी कोई भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मार सको, क्योंकि तुम मुझे मार ही नहीं सकते, तुम्हारे पास इतनी ताकत है ही नहीं कि तुम मुझे ख़त्म कर सको। उसका ग्योको ये भी बोलता है कि तुम चाहे जितना भी ट्राई करो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा जो चाइल्डिश प्ले है जो कि तुम मेरे सामने कर रहे हो इससे तुम मेरे को मार सकते हो। अगले ही सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो ग्योको रहता है अपना डीमन आर्ट को यूज़ करता है एंड पता नहीं यार वो बहुत सारी मछलियाँ फेंक के मारता है या फिर कह सकते हो थाउजेंड्स ऑफ मछली वो ला देता है एंड कहता है कि ये मछलियाँ तुम्हें खा जाएंगी। अजीब है भाई, मतलब मछली फेंक के कौन मारता है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मोइचिरो को हम लोग को दिखाया जाता है। अगले सीन में जो मोइचिरो रहता है उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो मिस्ड ब्रीदिंग का छठा हुआ फॉर्म यूज़ करता है एंड सारी मछलियों को काट देता है। तभी कह सकते हो ग्योको कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशानी वाली है, इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत कैसे आ गई एंड ये सारी चीज़ें कर कैसे रहा है, इसकी स्पीड भी बढ़ चुकी है लेकिन कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, भले ही इसने इन मछलियों को काट दिया है लेकिन अब जो इनमें से पॉइजन निकलेगा वो ज़रूर इसको लग जाएगा एंड ये वहीं पर गिर जाएगा। तभी हम लोग को देखने को मिलता है नेक्स्ट मूव पर ये जो मोइचिरो रहता है वो मिस्ड ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज़ करता है एंड सारी मछलियों को जो पॉइजन वगैरह या फिर जो भी रहता है सबको दूर फेंक देता है भाई। अगले सीन में मोइचिरो को दिखाया जाता है वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता एंड जाता है ग्योको पे अटैक करने के लिए। तभी जो ग्योको रहता है वो बोलता है कि मेरे पास प्लान है एंड तभी अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है ग्योको अपना ट्रू फॉर्म दिखाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा रहता है एंड कह सकते हो मतलब उसकी लंबाई वंबाई बढ़ जाती है एंड भाई कह सकते हो चौड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन कह सकते हो भाई मोइचिरो को क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, वो तो इस समय बीस्ट फॉर्म में आ चुका है। हम लोग को देखने को मिलता है जो ग्योको रहता है वो बोलता है कि इस फॉर्म को देखो, मैं और भी ज़्यादा तेज़ हो चुका, मेरी स्पीड तेज़ हो चुकी, मैं और भी ज़्यादा अच्छा दिखने लगा हूँ, मेरे हाथ इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तभी अगले सीन में जो मोइचिरो रहता है कुछ भी उसको मतलब रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, मतलब वो शांत खड़ा था, करता ठीक है भाई तू कर ले उसका और मैं अटैक करता हूँ। एंड उसके बाद ग्योको बोलता है ऐसे मत देखो मेरे को भाई, कुछ बोलो भी, मतलब भाई मैंने तुम्हें अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव दिखाया है एंड तुम ऐसे तीसरे आदमी जिसको मैंने अपना ये फॉर्म दिखाया है, तुम कुछ मेरे को रिएक्शन नहीं दोगे। तभी कह सकते हो मोइचिरो बोलता है देना था क्या, मतलब ज़रूरी है एंड कह सकते हो भाई उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता था वहाँ पर। एंड मोइचिरो उसको चिढ़ा कर बोलता है कि फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास कितनी ताकत है, लेकिन जब तुम्हारा अटैक मेरे को कभी हिट ही नहीं करने वाला तो उस अटैक का भी क्या मतलब, जो कि मेरे को कभी लगे ही ना एंड तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, ऐसे कहकर वो कह सकते हो टाइप ऑफ उसको टॉन्ट मार देता है वहाँ पर एंड भाई ग्योको गुस्सा होने लगता है। फिर अगले सीन में जो मोइचिरो रहता है अपने पास्ट के बारे में याद करता है कि कैसे उसके भाई कह सकते हो मर गया था एंड
कोई भी उसको बचाने क्या वो खुद भी उसकी मदद नहीं कर पाया था उस टाइम पे। एंड कह सकते हो वो सारी चीज़ बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी उसके लिए उस समय में। एंड अगर मुइचिरो को भी कह सकते हो अगर अमाने एंड उबियाशिकी ने नहीं बचाया था तो वो भी वहीं पर मर जाता। एंड मुइचिरो भी कह सकते हो उसके बाद अपने आप को थैंक्स समझता है कि वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए कह सकते हो वहाँ पर जो मुइचिरो रहता है वो डीमंस को मारने के लिए ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है एंड अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना भी शुरू कर देता है धीरे धीरे। उसके बाद जो ग्योको रहता है फाइनली अपना बहुत ही तगड़ा अटैक करता है, लेकिन तुम सबको पता है कि यार इस समय सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है? ऑफ कोर्स मुइचिरो। तो वो उस अटैक को डॉच कर लेता है। उसके बाद जो मुइचिरो होता है वो मिस्ट ब्रीदिंग का सेवेंथ फॉर्म यूज़ करता है। उसके बाद जो ग्योको रहता है उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वो मुइचिरो की लोकेशन को पता नहीं लगा पा रहा था। मुइचिरो बहुत ही स्पीड में था एंड कर सकते हो अगल बगल बहुत ज़्यादा मिस्ड हो चुका था एंड योगो को समझ नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। एक 10 साल का बच्चा या फिर कह सकते एक बच्चा जो कि उसके सामने कुछ भी नहीं था वो इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे बन गया? उसको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी कि ये सारी चीज़ें हो क्या रही हैं, कि ये सारी चीज़ सच में पॉसिबल भी है। उसके बाद अगले सीन में जो मुइचिरो रहता है ग्योको का हेड जो रहता है उसको वहाँ से काट देता है। जो ग्योको रहता है कुछ भी फील नहीं कर पा रहा था एंड उसको कोई भी चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको मुइचिरो को असल में तो मारना था एंड मुजान को बताना था कि यार सारी चीज़ें अब सही हो चुकी है एंड कह सकते हो उसने मुइचिरो को मार दिया है, लेकिन ऐसा कुछ तो हो नहीं पा रहा था उसके साथ एंड चीज़ें कह सकते हो उल्टी होने लगी थी। मुइचिरो बोलता है अभी तुम्हारा लास्ट समय एंड इसके बाद तुम शांति से मर सकते हो एंड इस दुनिया में तुम वापस से कभी भी जन्म मत लेना। उसके बाद ग्योको समझ जाता है कि एक बच्चे ने उसको फाइनली मार दिया है एंड उसके बाद वो एक चीज़ सोचता है। जो मुइचिरो है वो बहुत ही शांत रहता है, लेकिन जैसे ही तुम अपनी पलक को झपकाओगे तो अगले ही मोमेंट पे जो मुइचिरो है वो तुम्हारे पास होगा एंड तुम्हें ख़त्म करने के लिए तैयार होगा। एंड उसके बाद भी ग्योको को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक बच्चे ने उसको फाइनली ख़त्म कर दिया है एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मर रहा है वहाँ पर। तभी कह सकते हो वहाँ पर मुइचिरो आता है एंड उसको अच्छे तरीके से ख़त्म करता है, यानी कि उसके सर को उड़ा देता है। एंड फाइनली हम लोग का ग्योको का यहाँ पर वेल गाइज, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही एनिमे एक्सप्लेनेशन के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बैटल ख़त्म होने के बाद वहाँ पर मुइचिरो जीत चुका है एंड उसकी जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हो चुकी है। अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है जो कानामुरी सा रहते हैं वो आते हैं मुइचिरो के पास और पूछते हैं क्या तुम सही हो। उसके बाद मुइचिरो जो रहता है वो बोलता है मैं बिल्कुल ही सही हूँ एंड इस हालत में मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल सकता लेकिन मैं बिल्कुल सही हूँ और अब मेरे को जाना पड़ेगा तांजिरो के पास। उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है जो मुइचिरो की पूरी बॉडी रहती है वो शेक कर रही होती है। अब तुम्हें ही पता है कि यार वो कितने खतरनाक बैटल से मरते हुए जीता है। वहाँ पर कि जो मुइचिरो रहता है वो बेहोश होकर वहाँ पर गिर जाता है एंड वहाँ पर कह सकते हो जो कानामुरी रहते हैं वो परेशान रहते हैं कि यार इसको हो क्या गया एंड कैसे मैं इसको उठाऊँ। तभी हम लोग को अगले सीन में एक फनी सीन देखने को मिलता है, वहाँ पर जो कोतेत्सु रहता है पीछे से आ जाता है एंड उसको देखकर कह सकते हो कानामुरी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई तू भूत है कि कौन है, मतलब तुम्हें पता है कि यार कोतेत्सु बहुत ज़्यादा ब्लड से उसका फेस वगैरह पूरा भर गया था। उसके बाद कानामुरी सा कहते हैं कि तुम कोतेत्सु नहीं रहे, अब तुम कह सकते हो भूत बन चुके हो। उसके बाद जो कोतेत्सु रहता है वो कहता है नहीं मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं कोतेत्सु हूँ। नहीं भाई अब तू इंसान नहीं रहा, तू मर चुका है, तू एक भूत है। एंड कह सकते हो एक फनी सीन हम लोग को दिखाया गया है बेसिकली। आगे हम लोग को देखने को मिलता है जो कोतेत्सु की बॉडी रहती है उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड निकलते जा रहा था वहाँ पर। उसके बाद हम लोग को मुइचिरो का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो ये चीज़ देखता है कि वहाँ पर रेंगोकू रहता है, मतलब वो सोच रहा होता है बेसिकली। एंड वहाँ पर कह सकते हो वो बोलता है कि हम लोग एक पिलर जैसे यहाँ पर साबित हो चुके हैं। एंड उसके बाद जो मुइचिरो रहता है अपने डैड को भी याद करता है एंड उसके जो डैड रहते उसको अपने पैर पे लेटा रहता है एंड बोलते हैं कि देखा सारी चीज़ें सही हो गई। एंड उसके बाद हम लोग को देखने को मिलता है मुइचिरो एक स्माइल देता है अपने फेस पे एंड उसकी फैमिली वो कह सकते हो इमेजिन कर रहा था एंड उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड वहाँ पर हम लोग को एक स्माइल भी देखने को मिलती है मुइचिरो की। हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ यानी कि तांजिरो की तरफ। अब तुम लोग को पता है कि यार जो तांजिरो है वो एक छठवें डीमन से वहाँ पर लड़ रहा था एंड वहाँ पर कह सकते हो एक ड्रैगन ट्री यानी कि ड्रैगन जैसा पेड़ रहता है जो कि अटैक कर रहा था तांजिरो पर बहुत ही ज़्यादा एंड तांजिरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था वहाँ पर एंड उसके पांच कह सकते हो सिर रहते हैं। अगले सीन में जो वो ड्रैगन रहते हैं पेड़ वाले वो अटैक कर देते हैं तांजिरो के ऊपर और जो तांजिरो का ईयर ड्रम यानी कि कान का पर्दा हम लोग को देखने को मिलता है उससे वो सुन नहीं पा रहा होता, उसका बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी वहाँ पर एंड कह सकते हो यार उसकी हालत ख़राब होते जा रही थी बहुत ज़्यादा। तांजिरो कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे पता है कि वो मेरे पे अटैक तो कर रहा है लेकिन मेरे पास टाइम नहीं कि मैं सोच सकूं, मुझे पता तो सब कुछ है लेकिन मैं इस पर रिएक्ट कैसे करूं, ये सारी चीज़ें बहुत ही तेजी से हो रही है जो कि मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा एंड मेरी बॉडी को रिकवर करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। अभी जो तांजिरो रहता है वहाँ पर सोचता कि अब तुम लोग को पता है कि वो जो ड्रैगन है वो 20 मीटर तक अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सकता था, तो तांजिरो अपना दिमाग लगाता है सोचता है कि अगर मैं 20 मीटर से आगे रहूंगा तब शायद मैं इस पर अपना अटैक कर सकता हूँ। लेकिन तभी हम लोग को देखने को मिलता है कि यार उसकी जो बॉडी रहती है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है एंड तांजिरो का हाथ पकड़ लेती है वो चीज़। जो नेज़ुको रहती है वो भी कह सकते हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत में रहती है, तांजिरो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे क्या। तभी कह सकते हो अगले सीन में हम लोग को दिखाया जाता है, तुम लोग सोच सकते हो कि भाई अब कौन सा हाशरा बचा है।
हाँ भाई, हम लोग की लव आशरा जो कि अब आ चुकी फाइनली, एंड वो तांजिरो को वहां से बचा लेती है। तो लव आशरा बोलती है कि माफ करना मैं बहुत ज्यादा लेट आई, लेकिन मेरे ख्याल से तुमने चीजों को बहुत ही अच्छे संभाल के रखा हुआ है एंड मेरी टाइमिंग उतनी बेकार भी नहीं थी। तो तांजिरो अब तुम आराम कर सकते हो, अब यहाँ से चीजें मैं देखूंगी। तभी जो हाशरा रहती है वो बोलती है कि तुम्हारे मजाक बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं डीमन, एंड मैं यहाँ पर गेन्या और तांजिरो को लेकर जाने वाली हूँ वापस, और तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। तभी वो जो डीमन रहता है वो बोलता है कि चुप हो जाओ और मैं सिर्फ एक ही आदमी से इस दुनिया में ऑर्डर लेता हूँ, एंड वो तुम लोग को पता ही कौन है, ऑफ कोर्स मुजान। आगे हम लोग को देखने को मिलता है वो जो ड्रैगन रहता है वहां पर अटैक कर देता है हाशरा के ऊपर, एंड तभी हम लोग को देखने को मिलता है जो अपनी मित्सुरी है यानी कि लव हाशरा, वो यूज करती है अपना ब्रीदिंग लव का थर्ड फॉर्म, एंड वो बोलती है कि ये सारी चीजें अनफॉर्गिवेबल है, तुम भले ही एक बच्चे जैसे दिखते हो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाली क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी हूँ। एंड जो डीमन रहता है वो भी उसको देख रहा था, सोच रहा था कि ये मेरे अटैक को आराम से कट कर दी, एंड यहाँ पर हम लोग की स्टोरी कवर हो जाएगी एपिसोड 9 की। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड अब मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अगर किसी और एनिमी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।